सो कविता का क्वेश्चन है, आई हैव PCOS एंड माई हेयर फॉल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, वॉट टू डू. सो फर्स्ट थिंग इज PCOS या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें जो होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके ओवरऑल हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है उसकी वजह से होता है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि PCOD की वजह से आपको कैसा फील हो रहा होगा, बिकॉज इवन आई हैव बीन अ PCOD वॉरियर फॉर सो फार. अगर आपको PCOD के कारण हेयर फॉल हो रहा है, देन आपका टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन आपके बॉडी में, वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है. तो इसे कम करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, बिकॉज अगर जब भी आप बहुत ज्यादा टेंशन लोगे या फिर आप जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो आपके बॉडी में बढ़ने लगेगा, बिकॉज कॉर्टिसोल से ही टेस्टोस्टेरोन बनते हैं. सो आपको स्ट्रेस हार्मोन्स कम करना है. आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो. गेट योर ब्लड चेक. अगर आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर्स के साथ इन टच आइए एंड स्टार्ट द मेडिकेशन. आपका जो डाइट होता है, उसमें आपको शुगर का इंटेक, मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक, ग्लूटेन का इंटेक कम करना पड़ेगा. मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब का इंटेक ज्यादा कीजिए, बिकॉज PCOD में अगर आप इन सब का इंटेक अच्छे करते हो, तो आपका ओवरऑल हेल्थ पे काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं. आप बढ़िया सा एक बहुत अच्छे से फैटी एसिड्स को भी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप पम्पकिन सीड्स हो गए हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारे सनफ्लावर सीड्स हो जाते हैं या फिर फ्लैक्स सीड्स होते हैं. इससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छे ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का इंटेक होगा, जिसकी वजह से भी इससे आपका ओवरऑल जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं PCOD में, वो भी अच्छे से आपका कंट्रोल में होता है. इसके अलावा अगर आपका फिर भी हेयर फॉल नहीं सुधरता है, प्लीज गेट इन टच विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट. क्योर स्किन का आप ऐप भी डाउनलोड करके उस पर भी आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हो प्रॉब्लम्स को. उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स विल टेल यू व्हाट मेडिसिंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके डिसीज के हिसाब से, एंड यू कैन स्टार्ट दोस मेडिकेशंस.